बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल वीकली रैप आपके साथ हाजिर है। इस वीक की क्लोजिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बुलिश नोट पे हुई है और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी इंक्रीज हुआ है। देखा तो लास्ट वीक से अगर कंपेयर करें तो 81 बिलियन रुपीज का इंक्रीज हमने विटनेस किया है मार्केट कैपिटलाइजेशन में। अच्छा, मैं एक बात और आपको बता दूं कि यहाँ पर भी एक डाइवर्जेंस आ रहा है। लास्ट वीक भी मैंने आपको बताया था के जो परसेंटेज है बिटवीन वॉल्यूम्स सॉरी लेवल्स एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन डाइवर्जेंस आ रहा था, और अभी भी देखें ना, वीकली पे देखें तो यहाँ मार्केट कैपिटलाइजेशन और अगेन लेवल पे फिर एक और डाइवर्जेंस आ रहा है। अच्छा, मैं आपको बता दूं किस तरह से। देखें, ये जो 26 अप्रैल की थी कैंडल, ठीक है ना, इसने ये या हाई किया था यहाँ पे तकरीबन। मैं आपको बता दूं, इसका हाई था 72,862, ठीक है ना। उस वक्त इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 10,000 तक पहुंच गया था, जो मैंने पहले भी शेयर किया था। ये मेरा बेंचमार्क था 10 ट्रिलियन रुपीज या 10,000 बिलियन रुपीज, तो ये उस वक्त अचीव हो चुका था। और इसके बाद देखें, फिर हमने ये करेक्शन देखी, काफी अच्छी बड़ी करेक्शन है यहाँ पे। और यहाँ से मैंने आपको, आप मेरी देख लीजिएगा वीडियो, मैंने मेंशन किया था ये वाला लेवल प्राइस सेक्शन के हिसाब से एरिया ऑफ सपोर्ट ये था, ये वाला सपोर्ट एरिया था। इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ फिर भी आपकी याद रहने से, ताकि आपको याद रहे कि ये अच्छा है कि अभी भी इट इज एक्टिंग एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल ऑन वीक बेसिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसने यहाँ थोड़ा सा और लो किया, फिर यहाँ पे अपसाइड मूवमेंट देखी और ये क्लोजिंग यहाँ पे आई। अच्छा, ये दो मैं आपके साथ अभी दो सीपीआर लेवल शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। पहला सीपीआर जो लेवल है, सबसे पहले तो मैं आपको रेजिस्टेंस बता दूं। रेजिस्टेंस जैसे मैंने पहले भी आपसे बोलता रहा हूँ वीकली पे, थोड़ा सा इसको मैं एक्सपेंड कर दूं। इस वक्त जो ये बनता हुआ नजर आ रहा है, वैसे तो ये अभी इस वक्त सीपीआर के हिसाब से 73,400 है, और यहाँ पे देखें विक ही बन रही है, यहाँ पे विक बन रही है, इसके ऊपर कोई बॉडी नहीं बन रही है, ठीक है ना। स्पेशली अगर हम ये इसका लोअर लेवल देखें 73,000, ये वाला 73,000 के करीब, वैसे तो 73,052 बन रहा है, तो इसके ऊपर कोई बॉडी नहीं बन रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्लोजिंग तो आई है, ठीक है, इसके ऊपर देखें मार्केट ने परफॉर्म भी किया, लेकिन रिजेक्शन यानी प्रॉफिट टेकिंग, जिस तरह मैं लास्ट वीक ही बोलता रहा हूँ कि अपर साइड पे प्रॉफिट टेकिंग नजर आ रही है। तो आप लोग भी, मैं हमेशा कहता हूँ जब भी मार्केट ऊपर जाए 25%, देखें स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए, मैं आपको समझा दूं, बाय की भी होनी चाहिए, सेल की भी सेम स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि 25% जितना भी आप सोच रहे हैं कि इतना एक्यूमुलेट करना है, इसको 25% हर सपोर्ट लेवल पे 25% 25% करके लेते जाएं, फिर इसके बाद इसी तरह 25% 25% सेल भी करते जाएं, ताकि प्रॉफिट तो आपको लगे कि हाँ मैंने प्रॉफिट एंजॉय किया किसी। तो सेल जाहिर सी बात है सभी करते हैं, प्रॉफिट टेकिंग एक ऐसा लेवल आता है जब प्रॉफिट टेकिंग होती है मजीद ज्यादा बढ़ जाती है। तीसरा देखे ना, बोलो 25% 25, तो अब यहाँ पे भी यही सिनेरियो नजर आ रहा है। देखे ना, यहाँ मार्केट कैपिटलाइजेशन डिक्रीज हुआ है, दैट मीन्स कि यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हुई है। देखें 10,000 बिलियन से अब 9,888 बिलियन हो गया है, लेवल बढ़े हैं लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हुआ, ये इस तरफ इंडिकेट कर रहा है कि आगे ऊपर जाके प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, लोग बेच रहे हैं। जाहिर सी बात है लेवल काफी हाई हो गए हैं। अब आप देखें मार्केट कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, 38 आई थिंक 38 39 ऐसी कुछ आई थी मार्केट, और इस वक्त इसने जो ऑल टाइम हाई किया है 73,449, तकरीबन 73,500, ठीक है ना। ये जो मेरा हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये अपर यहाँ पे कोई विक बने, रिजेक्शन विटनेस करें हम, क्योंकि अभी इस वक्त फिलहाल जो मार्केट कैपिटलाइजेशन पे डाइवर्जेंस आ रहा है। अच्छा, एक और भी चीज आपको बता दूं, डेली पे भी मैंने यहाँ पे जो देखा था ड्यूरिंग एनालिसिस, तो देखें यहाँ पे डाइवर्जेंस आ रहा है, ठीक है। डाइवर्जेंस में देखे ना, होता ये है कि डाइवर्जेंस आते हैं मार्केट में, वो यही शो कर रहे होते हैं ऊपर अपसाइड पे सेलिंग है, लेकिन हो सकता है वो सेलिंग एब्जॉर्ब हो रही हो। जैसे मैं पहले कहता था फॉरेन कॉर्पोरेट जो है स्पेशली एफआईपीआई में, तो वो उसको बाय कर रहे हैं स्टॉक को, तो स्टॉक मजीद ऊपर जा रहे हैं वो। अच्छा, इंडिविजुअल स्टॉक में भी देखे डाइवर्जेंस आ रहे हैं, रिवर्सल आ रहा है बियरिश, लेकिन हो नहीं रहा है क्योंकि ये यहाँ पे अपर साइड पे, जैसे फॉरेनर को ऑब्वियसली वो डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो बहुत ही कम पैसे बनते, प्राइस बनती है, तो वो
इसको ऊपर तक ले जा रहे हैं, बाय कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ठीक है, ये एक आ गया, इसको मैं ये कलर दे देता हूँ ब्लैक कलर, ताकि आसानी हो जाए देखने में भी, ठीक है। ये तो आ गया लेवल्स के ऊपर, मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे देखें RSI पे डाइवर्जेंस आ रहा है, ठीक, अच्छा खासा डाइवर्जेंस आ रहा है। ये देखें आप, जब मैं आपको इससे कंपेयर करके बताऊंगा, अभी मैं ये बता रहा हूँ यहाँ पे, ये चलें ये भी ले लें, कोई मसला नहीं है ये। अब आप देखें, आप खुद देख लें, यहाँ पे लाइन स्ट्रेट जा रही है और यहाँ पे डाउन साइड पे आ रही है। अच्छा, लास्ट मैंने वीक पर, वीक ऑन वीक बेसिस पे ही बताया था आपको वीकली रैपअप में, कि वीक पे भी आ रहा था, लेकिन इतना ज्यादा हल्का सा मैंने कहा डाइवर्जेंस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अपसाइड पे दिखा रहा था वो, और हल्का सा या स्ट्रेट दिखा रहा था, लेकिन अब यहाँ पे डाउन साइड दिखा रहा है। ये मैं डेली की बात कर रहा हूँ, डे ऑन डे बेसिस पे। तो उसकी वजह यही कि मैंने आपको बताया प्रॉफिट टेकिंग है डेली डे ऑन डे बेसिस पे। और ये यहाँ पे देखें, हिस्टोग्राम भी आपको यहाँ पे शो कर रहा है कि ये रेड में आ गया यहाँ पे। ऑल दो अगर देखें तो यहाँ पे ग्रीन आया, लेकिन यहाँ पे अभी पिंक बना है, ग्रीन अभी यहाँ से बनना शुरू है ना, डाइवर्जेंस अभी आया नहीं इसमें भी, हिस्टोग्राम में बुलिश डाइवर्जेंस, तो अभी बेरिश डाइवर्जेंस है। दूसरा, बजट इज अप्रोचिंग, ये याद रखिएगा, बजट का हमेशा मार्केट में प्रेशर रहता है। तीसरी चीज, मैंने उनको पहले भी कहा था, रिजल्ट तकरीबन अच्छे अच्छे जो स्टॉक हैं, जो डिविडेंड ओरिएंटेड हैं, उनके ऑलमोस्ट जो है वो रिजल्ट आ गए, क्लियर हो गया है हर चीज। तो अब वो जिनमें जो अच्छे स्टॉक है, जिनमें ग्रोथ शो हो रही है, उनमें अब आप बाइंग देखेंगे आने वाले दिनों में, या अभी भी आप विटनेस कर रहे होंगे कि बाइंग है इसमें, तो उन पे आप फोकस करें। और जो दूसरे स्टॉक है उनको अभी थोड़ा अवॉइड करें, जो स्पेकुलेशन पे चल रहे हैं स्पेशली, ठीक है। अच्छा, अब दोबारा वीक पे आ जाते हैं, तो वीक के हिसाब से देखें, यहाँ पर ये वाला लेवल भी एक, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये प्राइस एक्शन के हिसाब से एक ही लेवल भी यहाँ पे रिटेस्ट हो सकता है। मैंने लाइन चार्ट से किया था, तो चले आपको समझने में, मैं आपको यहाँ ये मुझे लेवल यहाँ पे भी मिल गया, ठीक है। तो वापस हम कैंडल की तरफ इसको आगे देख लेते हैं। देखिए, यही इसकी नेक लाइन सपोर्ट है, इसको मैं यहाँ पे ये इसको नेक लाइन, इसको मैं पहले रिमूव कर देता हूँ, और ये इसकी नेक लाइन सपोर्ट कर देता हूँ, इस वाली कैंडल की, जो लास्ट वीक की क्लोज, लास्ट से लास्ट वीक की क्लोजिंग थी, 26 अप्रैल की ये वाली, ठीक है। ये इसका वीक ऑन वीक बेसिस पे नेक लाइन सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ इधर या इसके नीचे कोई वीक बन सकती है, लेकिन देखिए बॉडी इसके ऊपर बनना बहुत जरूरी है। मैं आपको और भी एक्सपेंड करके, जूम इन करके बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ा एक्सपेंड भी कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देख लें यहाँ पे CPR का ये जो लेवल है, जिसके ऊपर अभी थोड़ी सी क्लोजिंग ऊपर आई है, 73,052 है, और क्लोजिंग आई है 73,085, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोजिंग आई है, इसके ऊपर कोई बॉडी नहीं बनी है, ठीक है। कोई बॉडी बनना बहुत जरूरी है, बॉडी देखेंगे ये बॉडी कहलाती है, चाहे वो ये बेरिश हो या बुलिश हो, देखें ये बॉडी है, ये इसकी विक है, ठीक है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे सेलर एक्टिवेट है, यहाँ पे बायर एक्टिवेट है, ठीक है ना। इसको भी मैं यहाँ पे चले एक ये भी हम लेवल ले लेते हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से। देखिए, ड्यूरिंग एनालिसिस ऐसी ऐसी चीज आ जाती है, तो आपको समझ में आता है सब चीजें, ठीक है। अब आप देखें, बहुत क्लियर पिक्चर वाजे हो रही कि अपर साइड पे जना, अब ये रेजिस्टेंस लेवल जो है अपार्ट फ्रॉम CPR 73,534 और 73,655, ठीक है। तो वही तकरीबन 73,600 का लेवल है, 73,600-700, इसके ऊपर फिर इसी तरह की बॉडी बनना बहुत जरूरी है। फिर इसका आपको बताया था 80,300, 84,000, इस तरह फिर मैंने आपको 83,000, ये सब मैंने आपको लेवल्स मेंशन किए हुए हैं, तो फिर वो आगे जाके एक्सपोज हो जाएंगे। तो अभी तो फिलहाल ये एक बड़ा बैरियर है इन बिटवीन 73,600 एंड 83,000, जो मैंने आपको बताया था 80,000-83,000, अभी तो फिलहाल ये एक है बैरियर है, और वैसे बजट का ही प्रेशर है, तो थोड़ा सा केयरफुल होके काम करें, डोंट बी अग्रेसिव ऑन हायर साइड। हायर साइड पे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, ऑटो सेक्टर बहुत हायर साइड पे चले गए हैं, उसको थोड़ा हायर साइड बाय करने पे अवॉइड करें, ठीक। कुछ कुछ स्टॉक चल गए, जैसे गेल चल गया, गंदारा ऑटोमोबाइल चल गया, वो अलग बात है ऑटो सेक्टर में, लेकिन थोड़ा सा इसमें मैंने वही बोला ना, जिनकी कोई न्यूज है या कोई ग्रोथ है, जैसे PIA है, इन सब की न्यूज आती जाती है, OGDC की न्यूज आई, PSO की न्यूज आई, तो इनमें देखे आप एक्टिविटी देख रहे थे, आने वाले दिनों में भी शायद हो सकता है और कोई न्यूज आए, तो किसी और स्टॉक की है तो फिर उसमें आप एक्टिविटी देखेंगे। पाक इलेक्ट्रॉन अच्छा चला, उसकी भी न्यूज आई थी,
तो ये सब चीजें जो है ना वो मार्केट पे इम्पैक्ट डालती हैं। पॉजिटिव हो न्यूज हो तो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, स्पेशली स्टॉक पे तो मार्केट पे भी आता है। तो इसी वजह से हम देखें तो मार्केट इस वक्त जो है अपसाइड पर है, ठीक है। और अभी हम परसेंटेज देखें तो 1.65% अभी जो है वीक ऑन वीक बेसिस पे इसमें हमने इंक्रीज देखा है, ठीक है। मतलब यूँ समझे लास्ट वीक में 1.16 डिक्रीज हुआ था और इस वीक में 1.65% इंक्रीज भी हो गया एज कम्पेयर टू लास्ट वीक। लेकिन लास्ट वीक में जो है ना बहुत बड़ी बेयरिश कैंडल बनी थी, तो इस वक्त अभी मैं तो समझता हूँ थोड़ा सा केयरफुल होके काम करें, क्योंकि डाइवर्जेंस डेली पे भी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन पे भी डाइवर्जेंस आ रहे हैं। तो बस जो स्पेसिफिक स्टॉक हैं, ठीक है, उन पे आप नजर रखें जिनकी ग्रोथ अच्छी आ रही है। मैंने पहले भी आपसे कहा था उसमें ऑटो सेक्टर अच्छा है, लेकिन अभी तो हायरा से काफी हाई है, ऑटो सेक्टर के डाउन साइड पे अच्छे लग रहे हैं ऑटो सेक्टर इस वक्त, क्योंकि ये जून आने वाला है तो जाहिर सी बात है ये डाउन साइड पे आके एक्यूमुलेट कर रहे हैं। अच्छे स्टॉक है जिनकी ग्रोथ आपको नजर आ रही है। फार्मा सेक्टर अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फार्मा सेक्टर में भी गुंजाइश है। पावर सेक्टर है, ऑयल एंड गैस सेक्टर है, ये मैंने आपको सारे सेक्टर्स बताए। सीमेंट एंड स्टील अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, देख रहे हैं आप, तो इसमें भी देखें अब इनका भी आर एस आई हाई जा रहा है, तो हायर साइड पे सीमेंट और स्टील में भी थोड़ा सा मोहतात रहे। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।